아이가? तुम्हारा जमीर मेरे बिना खोखली हो तुम। मेरी बातें झूठी नहीं हो सकती। राहत वापस नहीं आएगा। नहीं, राहत ऐसा कभी नहीं करेगा। वो वापस आएगा, जरूर आएगा। और अगर नहीं आया तो वो मुझसे प्यार करता है। वो नहीं, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुमने उसे प्यार करने में मजबूर किया, वरना वो तुमसे कभी प्यार नहीं करता। नहीं, ये झूठ है, यही सच है। प्यार में इंसान अक्सर धोखा खा जाता है, क्योंकि वो देर से सोचता है, चाहे कुछ भी। राहत ऐसा नहीं है, वो मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकता। और अगर उसने बेवफाई की तो क्या करूं? खुदकुशी। मैं कमजोर लड़की नहीं हूँ, मतलब ये मान गई कि वो धोखा दे सकता है। अगर धोखा देगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्या करूंगी? मार डालोगी उसे? कुछ नहीं कर सकती तुम। कर सकती? मैं बहुत कुछ कर सकती, तुम सिर्फ कहती रह जाओ और वो चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। तुम यहां से चली जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। पछताओगी तुम। मैडम, ये चौधरी। नाम नहीं लेना उसका। वो उसने आपको प्रोजेक्ट छोड़ने के लिए कहा था। वो कहेगा और मैं छोड़ दूंगी। अपनी ताकत को तोड़ती देखकर वो बौखला गया है। वो मुझे सिर्फ एक औरत समझता है और यही उसकी भूल। दुश्मनी आपसे और मोइन बेटे को भड़का रहा है। मैं मोइन को उसकी तरफ कभी नहीं होने दूंगी। ऐसी औलाद भी किस काम की जो बदल जाए। वैसे मुझे नहीं लगता मोइन बेटा बदलेगा। मैं चौधरी के ख्वाब के इतने टुकड़े बनाऊंगी मैं कि उन टुकड़ों को समेटते समेटते वो सब कुछ भूल जाएगा और इस शहर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। मैडम, ये बाबरा है, रुखसार की बहन। आदाब। मैंने तुम्हारी बहन को बुलाया था। जी हाँ, वो आपा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं चली आई। लेकिन मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से बात करना चाहती हूँ। देखिए, वो मेरी बहन है। जो बात आप उनसे करना चाहती हैं वो मुझसे भी कह सकती हैं। तो ठीक है, सुनो। तुम्हें मोइन से शादी करनी होगी। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं, और मैं शादी उसी से करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। वाहिद मियां, आपने इसे बताया नहीं मैं कौन हूँ। ये बहुत गुस्से वाली, इन्हें सुनने का शौक नहीं, सिर्फ कहने का शौक है। और जो इनका कहा नहीं मानता वो बहुत पछताता। पछतावा जरूरतमंदों को होता है और मैं जरूरतमंद नहीं हूं। मुझे ना तो आपसे कोई रिश्ता रखना है और ना ही कोई अपनी जरूरत पूरी करवानी है। ए लड़की, उड़ान उतनी ही भरनी चाहिए जितनी पैरों की लंबाई हो। मैंने तुमसे कह दिया कि तुम मोइन से शादी करोगी तो बस बात खत्म। और मैंने भी कह दिया कि मोइन से शादी नहीं करूंगी तो बस बात खत्म। रुक जाओ, जाते जाते एक बात सुनती जा। मैं तुम्हें सोचने का वक्त देती हूं। अगर तुमने मोइन से शादी करने से इनकार कर दिया, तुम
किसी से भी शादी करने के लायक नहीं रहोगे। बाजी की बात ठीक नहीं लग रही है। क्यों? अरे प्यार कोई जोर जबरदस्ती छीनने की चीज थोड़ी ना है। अगर बाबरा राहत से प्यार करती है तो उस पे जोर जबरदस्ती डालकर हम ये तो नहीं कह सकते कि तुमसे प्यार करें। बेटा प्यार का दूसरा नाम है कुर्बानी। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी को चाहते हैं, तो हमें उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, ना के उससे तकलीफ देकर अपनी खुशी के बारे में। मामू, मैं बाबरा का प्यार अपने दिल से नहीं निकाल सकता, मैं उसे नहीं भूल सकता। तुम जिसको चाहते हो वो राहत को चाहती है, राहत ही उसका प्यार है। तुम अगर उसे खुश देखना चाहते हो तो राहत और बाबरा के रास्ते से हट जाओ, उन दोनों को एक हो जाने दो। आज तक दुनिया में जितनी मोहब्बत की मिसालें हुई हैं, उसमें बहुत कम लोग हैं जो अपना प्यार पाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन फिर भी जब मोहब्बत की दास्तान सुनाई जाती है तो दुनिया उन्हें याद करती जिन्होंने कुर्बानी दी है। ये क्या कम है? मामू, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया। अब मैं बाबरा से शादी नहीं करूंगा, मैं वही करूंगा जिसमें उसकी खुशी है, और मैं उससे माफी मांगूंगा। बस तुम अब यहां क्यों आए? तुमसे माफी मांगू? इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि तुम यहां से चले जाओ। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देखो, जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है कि प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। मैं तो खामखा तुम्हें परेशान करता रहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ही मुझसे प्यार करो। ओ, जब इतनी ही अकल थी तो वो सब ड्रामा करवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है तुम्हारी अम्मी ने मुझसे क्या क्या कहा? देखो, मेरा यकीन करो, मैंने अपनी अम्मी से कुछ नहीं कहा। उस दिन जब मैंने तुम्हें राहत के साथ देखा तो मैं उदास हो गया था, और जब मैं घर पहुंचा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं रो पड़ा, तो ये अम्मी ने देख लिया। उन्होंने पहली बार मेरी आंखों में आंसू देखे, और ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और गुस्से में आकर उन्होंने ये हरकत कर दी। उन्होंने जो किया गलत किया, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ओ, ये बहुत अच्छी बात है कि मां किसी को घर बुलाकर धमकी दे दे और फिर बेटा आ जाए माफी मांगने के लिए। तुम्हें पता है जब ये सारा किस्सा मैंने आपा को बताया तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। देखो देखो, तुम घबराओ मत, अगर अम्मी कहेगी भी ना तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा।
आपके अब्बू ने आपके बारे में जितना बताया था उससे आप 10 कदम आगे हैं। अच्छा है, एक कामयाब बिजनेसमैन की बीवी ऐसी ही होती है। मतलब ये कि अब आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हैं? इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। बस मैं एक समझदार बीवी चाहता हूँ जो कि तुम हो। रोहित, मैं किसी से प्यार करता हूँ उसके बारे में बड़े अब्बू ने मेरे दिल में गलत बातें पैदा कर दी थी। बड़े अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं उस लड़की से शादी करूं, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया और मैं शादी के लिए तुम्हें हाँ कह दी। अब ये सब जानने के बाद रूही, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। हेलो। हेलो, अब ये बताने की तो जरूरत नहीं ना कि मैं कौन बोल रही हूँ, क्योंकि इतने प्यार से दुनिया में आपसे सिर्फ एक लड़की बात कर सकती है। रूही। शुक्र है किसी और लड़की का नाम तो नहीं लिया। रूही, मैं तुम्हें फ्लर्ट लगता हूँ क्या? नहीं, तभी तो आपसे प्यार करती हूँ। कहो कैसे फोन किया? ओह, तो अब जनाब को मेरे फोन की वजह भी चाहिए? नहीं नहीं रूही, मेरा वो मतलब नहीं था। हाँ, that's better. एक्चुअली आपकी याद आ रही थी, इसलिए सोचा फोन कर लूं। रोहित, तुम ठीक तो हो ना? मेरी बातें छोड़िए, ये बताइए आप शादी कब कर रहे हैं? अभी तक कुछ फिक्स नहीं हुआ है। तो फिक्स कर लीजिए और जितनी जल्दी हो सके शादी कर लीजिए। और हाँ, मुझे ट्रीट देना मत भूलिएगा, वो भी स्पेशल वाली। वैसे आप भूल भी जाएंगे तो मैं आपको याद दिला दूंगी। मुझे शर्मिंदा मत करो। क्यों, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? रोही, आज जो कुछ भी होने जा रहा है सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो मैं सुबह को अपनी जिंदगी में कभी शामिल नहीं कर पाता। तुमने शादी के लिए ना कहकर सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सच पूछो तो ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। बस बस था, इसके आगे और कुछ मत बोलिएगा, थैंक यू भी नहीं। रूही, तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो। थैंक्स अगेन एंड टेक केयर। यू टू टेक केयर, बाय। वाह बेटी, तुम्हारे अंदर कुर्बानी का जज्बा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब्बू, मैं समझी नहीं। मैंने फोन पर तमाम बातें सुन ली हैं बेटी। तुमने जो अपनी तरफ से किया वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उन लोगों ने बहुत गलत किया। बड़ी अम्मी, मैंने अम्मी को रिहा करवाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं। पुलिस बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, शेर खान की लाश कहाँ है, शेर खान की लाश कहाँ है। बस मैं समझता था कि शादी तुम्हारी वजह से नहीं मेरी बेटी की वजह से टूटी है,
और आज मुझे सच्चाई का पता चला। एक वो लड़की है जिसने अपनी खुशियों को तुम पर कुर्बान कर दिया। और एक तुम हो जिसने पहले तो मेरी बेटी के जज्बात के साथ खेला और फिर उसकी इज्जत की फिक्र ना करते हुए उसे अपनी जिंदगी से हट जाने के लिए कहा। मैंने रूही के साथ कुछ गलत नहीं किया। किसी गलत फहमी की वजह से मैं शादी के लिए तैयार हो गया। दरअसल मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूं। ओहो, अच्छा हुआ तुमने ये बात अभी बता दी। अगर शादी के बाद कहते कि गलत फहमी में मैंने शादी कर ली तो वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होता और आप लोगों ने भी मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मुझसे सारी बातें छुपाई। हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया। आपकी बेटी आपके पास सही सलामत है। फिर आप चीख चीख कर क्यों कह रहे हैं कि हमने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया? मोहतरमा, आप शायद मुझे जानती नहीं है। इस शहर में आप लोगों का सांस लेना दुश्वार नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी अबरार अली बेग नहीं।